अस्मिन् चातुर्मास्य प्रसंगे अद्य अनंत योगे चातुर्मास्यस्य संपूर्णता सिद्ध्यर्थम् अहम् पादुका पूजनं करिष्ये। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे। भगवते ज्योतिपीठाधीश्वराय नमः। द्वारकाधारणपीठाधीश्वराय नमः। अनया पूज्या भगवान् ज्योतिपीठाधीश्वरः द्वारकाधारणपीठाधीश्वरः प्रीयतान् नमः। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट पीठाधीश्वर महाराज की धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जगदम्बा महारानी की ईश्वर भगवान की ज्योतिरीश्वर भगवान की चंद्रमौलीश्वर भगवान की जगन्नाथ स्वामी की सर्व सिद्धि हनुमान की योगिनी माता की परमहंसी गंगा क्षेत्र की हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। निखिल निगम के सिर पर विराजने वाले अलौकिक मणि अद्वैत तत्व के अपूर्व प्रतिपादक गुरुदेव भगवान के श्री पावन चरणों में नमन करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ गुरु चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए। माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे श्री गिरीश मिश्रा जी, श्री हेमंत मिश्रा जी, श्री दिलीप मिश्रा, श्री बीपी सिंह जी, डॉक्टर एन बी पांडे, श्री आनंद जी जायसवाल, श्री सतीश जी मिश्रा, सुश्री दीभा मिश्रा, श्री मनोज जी केशरवानी, डॉक्टर बसुमती जी डांगा, श्री पवन जी हमीरवासिया, डॉक्टर एस पी बंका, श्री उमाशंकर जी डालमिया, श्री कमल जी गुप्ता, श्री मती मीना जी त्रिवेदी, श्री सुमेन जी हाजरा, श्री सुजय साहा जी, श्रीमती झुमुर साहा जी, श्री डी पी तिवारी जी, उमेश श्री उमेश खत्री जी चाईवासा, श्री उमेश खिरवाल जी टाटानगर, श्री विमल जी जोशी कटक। इन लोगों से अनुरोध है कि ये लोग मंच पर अविलंब पधारें और गुरुदेव के चरणों में माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रेम से बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। श्री विजय बहादुर सिंह जी रायपुर से पधारे हैं। ब्रह्मचारी इंदू जी, इंद्र भवन जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि महाराज श्री के श्री पावन चरणों में माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। हम बड़े सौभाग्य वाले हैं, हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय हुआ है जिससे कि गुरुदेव भगवान हमें मिले हैं और इनके मुखारविंद से प्रतिदिन हम लोग अमृत वर्षा में
जो अमृत वर्षा हो रही है उसमें सराबोर हो रहे हैं। मगन भाई जी अहमदाबाद, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि महाराज श्री के श्री पावन चरणों में माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। चंद्राकर जी रायपुर, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में माल्यार्पण का आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रेम से बोलिए श्री जगत गुरु भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या, पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब मैं सभी भक्त भाइयों बहनों से अनुरोध करता हूँ कि सभी चाहते हैं भगवान के चरणों में पुष्प को चढ़ाना। आप जहाँ बैठे हैं वहीं से आप भगवान के श्री चरणों में अपना सुमन अर्पित करें, वो निश्चित रूप से उनके चरणों में पहुंच जाएगा। प्रेम से बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। अब मैं जगत गुरु शंकराचार्य समारोह समिति के अध्यक्ष श्री सज्जन जी सराफ से आग्रह करता हूं कि वो अपने हृदय के भावों को श्री गुरु चरणों में रखें। आनंद श्री विभूषित, ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ सभी मंचस्थ ब्रह्मचारी गण से, सम उपस्थित महानुभाव माताओं बहनों। आज का विषय है कि आज दो महीने से हम लोग यहाँ अमृत वाणी का आनंद ले रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि दो महीने का चातुर्मास का आप समापन का दिन है, ऐसा लगता है जैसे दो दिन तीन दिन पहले ये चातुर्मास शुरू हुआ। महाराज श्री की अमृत वाणी से हम लोग सराबोर होते रहे, हम लोग को महाराज श्री का आशीर्वाद मिलते रहा, लेकिन इससे तृप्ति नहीं हुई है। ऐसा लगता है जैसे दो दिन हुए हैं खाली, दो महीने नहीं। तो महाराज श्री से तो ऐसी प्रार्थना अगर आप सब करें कि इस तरह का मौका महाराज श्री फिर अगले साल हम लोग को दे, तो एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। अपने लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि दो महीने हम लोग यहाँ महाराज श्री की कृपा पाते रहे। आप सभी के सुंदर सहयोग, आप सभी यहाँ शांत भाव से जो कोऑपरेशन हमें दिए हैं, समिति के सभी सदस्यों ने जो कोऑपरेशन हमें दिया है, ये बड़ा ही अतुलनीय है। इनके बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता था, आपके सहयोग से ही ये कार्य संपन्न हुआ है। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई हैं, वैसे तो आप सभी की भूमिका है, आप सबों के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है, लेकिन मंच से कुछ दो चार नाम ऐसे हैं जिसको महाराज श्री का आशीर्वाद लेने का मौका मिले, ऐसी हमारी भावना है, जिन्होंने खूब मेहनत की है इस चातुर्मास को सफल करने में। इसमें सर्वप्रथम मैं श्री हेमंत सोनी को बुलाना चाहता हूँ। श्री हेमंत सोनी जिसने दो महीना महाराज श्री के लिए, महाराज श्री 24 घंटा यहाँ रहकर तन मन पूरा अर्पित करके जो सेवा की है, जो आने वाले यात्रियों को रहने की सुविधा दी है, ये अतुलनीय है। ये महाराज श्री से आशीर्वाद लेने के लिए पधार रहे हैं मंच पर। मैं कन्हैया सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे महाराज श्री के पास आए। हमारे गुरु परिवार के एक सदस्य श्री कैलाश केड़िया, इस चातुर्मास के लिए सबसे पहले हम सभी को प्रेरित करने में कैलाश केड़िया की बड़ी भूमिका है।
अनिल पाटोरिया को हमको बुलाकर इसने ही सबसे पहले ये सुझाव रखा कि हम सब महाराज श्री के श्री चरणों में जाएं, उनसे प्रार्थना करें और आप सभी से सही करवा कर 300 आदमियों का समर्थन लेकर जब हम महाराज श्री के पास पहुंचे तो उनकी स्वीकृति हमें मिली और उनका आशीर्वाद हमें मिला। मैं कैलाश केरिया को यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मनोज अग्रवाल, मनोज एक ऐसा नाम है जिसने न रात देखी न दिन, रात को 2 बजे यहाँ जाकर सुबह 5 बजे वापस उपस्थित होकर जिस ढंग से यातायात की व्यवस्था कर रहे थे, भाई मनोज अग्रवाल के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं तो आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर आ रहे हैं। दो नाम ऐसे हैं जो अभी अपने से जुड़े और जुड़ के बहुत ही मेहनत इस चातुर्मास में किए हैं, दोनों पिता पुत्र हैं, शुभम डोकानिया और सुनील डोकानिया, दोनों पिता पुत्र को मैं मंच पर बुलाता हूँ। इन्होंने भी खूब मेहनत करके इस कार्य को सफल में अपनी अच्छी भूमिका निभाई है। महाराज श्री से दोनों पिता पुत्र आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। वैसे तो आप सभी को महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त है, आप सभी के सहयोग से ये संभव हुआ है कि ये चातुर्मास इसमें शांति रूप से संपन्न हुआ है, तो आप सभी को दूर से महाराज श्री का आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसे मंच पर बुलाकर आशीर्वाद लेने का मौका मिला है, उसमें एक नाम है युवा लड़का गोलू से मैं आमंत्रित करता हूँ। ये बड़ा ही जोशीला लड़का है और पूर्ण रूप से समर्पित भाव से इसने बहुत मेहनत की है, महाराज श्री का इसे भी आशीर्वाद प्राप्त हो। श्री उमेश जी खत्री विश्व कल्याण आश्रम से पधारे हैं, श्री उमेश जी खत्री को मैं मंच पर आने का आमंत्रण करता हूँ। श्री उमेश जी खत्री ये महाराज श्री के लिए पूर्णतः समर्पित होकर विश्व कल्याण आश्रम में जो काम करते हैं ये बड़ा ही अद्भुत काम है। जो अपने हिंदू धर्म को छोड़कर मिशनरी के चक्कर में क्रिश्चियन हो जाते हैं उसे महाराज श्री के श्री चरणों में लाकर उन्हें वापिस अपने धर्म की जानकारी देकर महाराज श्री का आशीर्वाद दिलाकर उसे हिंदू वापिस बनाने में जो भूमिका श्री उमेश जी की है ये बड़ी अद्भुत भूमिका है। श्री उमेश जी मंच पर आ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। श्री उमेश जी आप सभी को आप महाराज श्री का आशीर्वाद मिले इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण अशोपा जी से अनुरोध है कि महाराज श्री के श्री चरणों में माल्यार्पण कर आशीर्वाद करें। इनका भी स्वागत करें श्री चंद्र भाई जी उपाध्याय। प्रेम से बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। तो आज हम सभी लोग एक विरह वेदना से हम लोगों का जो मन है विरह वेदना में डूबा हुआ है, फिर भी महाराज जी के चरणों में गुरु पुंगव पुंगव केतनते समदाम मोताम सही को विशुधि शरणागत वत्सल तत्व निधे बहुसंकर देशिक में शरणम।
कहा गया है कि श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा मात्र से ही भगवान स्वयं आकर हृदय में निवास करने लगते हैं, परंतु वक्ता परमहंस होना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि हमें आत्मकाम आत्माराम जीवन मुक्त अमलात्मा योगेंद्र द्वय पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से श्री सुख की वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ है। पूज्यपाद महाराज श्री के मधु गंभीर वाणी श्रोता के अंतःकरण को आह्लाद से पूरित किए बिना नहीं रहते। श्रोता चाहे किसी भी आयु बुद्धि स्तर का हो, उसे पूज्य महाराज श्री के प्रवचनों से स्वयं के उद्धार का पूर्ण आश्वासन प्राप्त होता है। जितने भी लोग महाराज श्री के प्रवचन सुन रहे हों, उनमें से सभी को एक साथ यह प्रतीति होती है कि पूज्य श्री का प्रवचन उसी को लक्ष्य करके किया जा रहा है। यह मेरा निजी अनुभव है। आज आध्यात्मिक मूल्यों में न्यूनता के कारण हम भारतीयता के पथ से भटक रहे हैं। परस्पर अविश्वास की भावना एवं अन्य असत वृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। हम गंगा गाय एवं राम जन्मभूमि के मूल्यों को नहीं पहचान पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें गुरु शंकर रूपिणम की आवश्यकता है, जो मानव मन के सरोवर के मंथन से सद्वृत्ति रूपी अमृत को लोक कल्याण के लिए उपलब्ध कराए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज पुरुषोवई समुद्र के अमृत मंथक हैं, जो हमेशा पारमार्थिक मंगल की कामना करते हैं। भयंकर पापाचार से तप्त जनता को उससे मुक्ति दिलाकर उसे अंतिम पुरुषार्थ की तरफ ले जाते हैं। ऐसे साक्षात शंकरावतार शंकराचार्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। हमें संकल्प करना है कि गुरु शंकर रूपिणम के वचनों को, उनके संकल्पों को जन जन तक पहुंचाएं एवं उसे पूरा करने में भरपूर सहयोग करें। पूज्य गुरुदेव की गरिमा में वाणी खिलते हुए मालते की सुगंध के समान प्रिय लगने वाली है। पारिजात वृक्ष के पुष्प रस की माधुरी से परिपूर्ण है। यह सज्जनों के हृदय को आह्लादित कर आनंद से परिपूर्ण बनाती है। गुरुदेव के विराट व्यक्तित्व एवं कृतित्व का वर्णन करना छोटी मुंह बड़ी बात होगी। आकाश में तारों को गिनने के समान होगा, सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा, महासागर को एक छोटे से डोने से पार करने के समान होगा। किन भवना, अब एक छोटी सी मेरी विनती, संभव है मेरे बोलने में कोई दोष आया हो, संभव है मेरे संचालन से तुष्ट नहीं हो पाए हो। विशेषता कुछ भी नहीं, केवल गुरुदेव से ही मेरी पहचान है। वेद शास्त्र का जरा सा भी मुझे नहीं ज्ञान है, फिर भी कुछ न करने से मेरा मन उब जाता है, रह कर गुरुवर के चिंतन में डूब जाता है। विनती करता हूँ गुरुवर, मुझे कृपा का दान मिले, चंद्र आपके चरणों का चंचरित रहे ऐसा वरदान मिले। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं बिरदावली पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ ज्योतिष पीठ पंडित आचार्य श्री रविशंकर जी शास्त्री को। गुरु भाइयों, माताओं, महाराज जी का 62वां चातुर्मास पूरा हुआ। हमारे सचिन भैया ने कहा, हम मही मन उसको बोल रहे थे, जैसे जोड़ घटाने में हम कुशल तो नहीं है, पर एक जोड़ घटाना हमें आया है हो रहा है। यदि 64वां चातुर्मास भी है वो तो कैसा है, क्योंकि 64 योगिनियां आपके कुंभ घर में आ गई हैं। तो यदि 64 योगिनियां आ जाती हैं, 64 संख्या हो जाती है, आप सब योगी रूपा हो। इसलिए रोज मनाओ कि हमारे गुरु जी का वह अवसर खुल के आए। कल से तो भगवत जी का भी रथ निकलेगा, परंतु आज भगवत जी को आराम करने दे रहे हैं, इसलिए आगे अवसर आ जाएगा। अब आप लोग उस महत्वपूर्ण वृत्तांत को सुनिए जिसे हमारे गुरु जी हंस भी हैं, परम हंस भी हैं और श्री परम क्यों है पूरी प्रसन्नता नहीं। अपने गुरु जी की जो परंपरा है उसमें सुखदेव जी आ
सुखदेव जी के शिष्य गोविंद गौड़ पादाचार्य जी, उनके शिष्य थे गोविंद भगवत पादाचार्य जी, उनके शिष्य थे आद्य शंकराचार्य जी। आद्य शंकराचार्य जी के चार शिष्यों में उत्तराम नाय की जो ज्योतिष परंपरा है उसमें अपने महाराज जी 48वीं पीढ़ी में, और द्वारका की जो आचार्य परंपरा है उसमें अपने महाराज जी 78वीं पीढ़ी में। इसलिए वो आनुवांशिकता जब पिता पुत्र में आती है तो वही आनुवांशिकता गुरु शिष्य परंपरा में भी आती है। ये कहना नहीं, वो साक्षात बैठ गए हैं आके, ये जितना देखोगे जितना आंख मूंद करके अपने हृदय में ले लोगे, जैसे सीता जी ने भगवान राम के स्वरूप को अपने भीतर ले लिया था, वैसे ही यहाँ के आजकल के वातावरण से बचाव हो जाएगा। और सबसे गहरा नाता तो यहीं से है भाइयों, कुल शरीर तो गुरुधाम में हुआ, कार्मिक शरीर परमहंसी में हुआ, आध्यात्मिक शरीर कोलकाता में हुआ, यही संन्यास दीक्षा है। इसलिए महाराज जी उस एहसान को, उस उपकार को चुका रहे हैं, हमको समझना आवश्यक है। चलिए, ओम नमः शंभवाय चमयो भवाय च नमः शंकराय चमयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानिदधे पदं समूढमस्य पाकुं सुरेश्वाहा जतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। नारायण समारम्भां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्या पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्या निगमागम सार हृदया सर्वतंत्र स्वतंत्रा वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्व कल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्या अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योधिकांतकरणाः अलकनंदातीरवासिनः उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदापीठाधीश्वराः नर्मदा गंगा यमुनादि देवनदी संप्रापित प्रदूषण निवारण परायणाः आद्यन्ता नवरता विरल निर्मल गंगा धारा प्रवाह रूप शिव संकल्पाः श्रीमद् राम
जन्म भूमि समुद्धारार्थार निशन लोक जागरण तत्परा निखिल नारी जन सम्मानार्थ श्री राम भद्र द्वारा निर्मित एक वंदरामेश्वर विध्वंस रूप दुष्कर्म निवर्तका अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी वर्या विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की हत्या धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जगदम्बा महारानी की शतसवर्ण कर्णगुण देखकर
सर्वोत्फुल्लिकाओं को देखकर, गोपियों को देखकर, ब्रह्मा की रातियों को देखकर रमण करने का मन किए, उसी समय पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्र का उदय हुआ। अरुणोदय, चंद्रमा जब उदय होता है तो अरुण वर्ण का दिखना ही पड़ता है, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई नारी जिसका पति परदेश चला गया है और जिसके वजह से वह व्याकुल है, एकाएक आ जाए और वह उसके मुख को कुमकुम से, केसर से आरक्त कर दे। उसी प्रकार चंद्रमा ने मानो उदय होकर प्राची दिशा के मुख को आरक्त कर दिया। तजोग राधक कर उपभोग कर मुखम प्राच्याजिंपन अरुणेन संतमयी सचर्षिणीना मुदगाचितो मृजन व्यप्रियाम दीर्घ दर्शन दृष्ट्वा कुमुदवंत मखंड मंडलम रमानाभम नव कुंकुमारुणम बनंत तत्कोमल गोविरंजितम जगौ कलम वाम ऋषाम मनोहरम। इसका अर्थ है अखंड मंडल कुमुदवान चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा कैसा था, रमाननाभम रमा के मुख के समान वो प्रकाशमान था। यहाँ रमा का अर्थ राधा, श्री राधा के मुख चंद्र के समान ये चंद्रमा था। नव कुंकुमारुणम नवीन कुंकुम से अरुण वर्ण, उस रमानाभ चंद्र को देखकर और यह देखकर कि उसकी कोमल अरुण वर्ण की किरणों से वन भूमि भी अरुण वर्ण हो रही है, भगवान ने वाम दिशाम मनोहरम सुंदरी गोपियों के मन को हरने वाला कलम जगौ कल गान गाया। बंशी में क्या गाया कृष्ण ने, कलम। कलम क्या है, का ल और ई वाम दिशा, तो क्लीन बीज ये काम बीज है, तो बंशी से क्लीन बीज प्रकट हुआ। जगौ कलम, ये बंशी का जो नाद है अद्भुत नाद, सर्व प्रवाह सर्वस्य आनुकूल्येन कर्षति बंशी ध्वनि प्रवाहस्तु प्रातिकूल्येन कर्षति। नदी का पवन का जो प्रवाह चलता है तो जिधर से चलता है उधर नहीं जाता, जिधर वो प्रवाह जाता है उधर जाता है, लेकिन ये बंशी की ध्वनि का जो प्रवाह है ये जहाँ से चल रहा है वहाँ खींचता है। तो
गोपियों का मन बंसी ध्वनि के प्रवाह में जैसे ही पड़ा तो वो मन जैसे नदी की प्रवल धारा से प्रवाहित होकर कोई वस्तु प्रवाहित हो जाती है, वैसे ही उनका मन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गया। इस प्रकार जब भगवान ने मनोहर कलगान गाया तो गोपियां अपने अपने काम में संलग्न थी। बात यह है कि भगवान की प्राप्ति किसको होती है? जो व्यक्ति धर्म का आचरण करके अपने मन को निर्मल बना लेता है, उस निर्मल मन के व्यक्ति को भगवान प्राप्त होते हैं। तो गोपियां जो थी वो उनका जो पातिव्रत धर्म है, जो नारी का धर्म है, उसका विधिवत पालन करे। और उन्होंने जैसे बंसी ध्वनि सुनाई पड़ी उसका त्याग कर। तो जो जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु होती है वही उसका त्याग कर सकता है। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या त्याग करे। हमारे गुरुजी महाराज जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिपीठाधीश ईश्वर ब्रह्मानंद सरस्वती एक बार ट्रेन से जा रहे थे तो ट्रेन के ऊपर की सीट में वो विराजमान हुए फर्स्ट क्लास में। नीचे दो साहब आए, एक अंग्रेज था एक हिंदुस्तानी था। दोनों अंग्रेजी में बात करते रहे। उसके बाद उन्होंने भोजन की थाली मंगाई, दोनों ने एक साथ नॉन वेज खाया, हाथ पहुँचे। अब हिंदुस्तानी साहब की नज़र गुरु जी की ओर गई तो उसको कुछ गिरानी हुई। उसने हाथ जोड़ के पूछा कि महाराज क्या ऐसा करने से धर्म चला जाता है? गुरु जी बोले होए तो जाए। जब है ही तो जाए क्या। तो गीता में जो लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ। तो इसमें परित्याग का मतलब यह है कि पहले अधर्म का परित्याग करें, धर्म का पालन करें, फिर धर्म का भी परित्याग करके भगवान की शरण में जाए, सर्वकर्म संन्यास ले लें। और पहले परित्याग कर दिया, आपको अगर कहीं नाव से पार जाना है तो पहले क्या होगा, पहले नाव में बैठना पड़ेगा। नदी किनारे जाइए, नाव में बैठिए, नाव से उस पार जाइए, तब नाव छोड़ दीजिए। और उस पार बिना गई नाव छोड़ दोगे तो जाओगे कहाँ। तो वो गोपियाँ उस समय कोई देख रही थी, कोई दूध गर्म करने के लिए रखी थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई परोस रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई आँख में अंजन लगा रही थी, कोई वस्त्र पहन रही थी। जैसे बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी चल पड़ी। बंसी काहे को बजाई में तो आई रही थी। गोपियों ने कहा मैं तो आ रही थी, क्यों बजाई तो? तो
सब कुछ छोड़कर और एक दूसरे से बिना बताए एकदम से चल पड़े, भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने देखा अभी श्री जी किशोरी जी का आगमन नहीं हुआ है, गोपियाँ सब आ गई हैं, तो वाचा पेशई विमोहन अपनी वाणी से उनको विमोहित करते हुए बोले, हे महाभागाओ स्वागत है, ये आप कैसे बता रहे हैं, ब्रजस्या नाम कच्चित भूतागमन कारणम, ब्रज में अनामय तो है, आप सब ब्रज छोड़ के आ गई, क्या कारण है? अच्छा कुछ बोली नहीं, तो कहने लगे अच्छा वन की शोभा देखने आप आए, देखिए कैसी चालाकी की बात है, आप वन की शोभा देखने आए हैं तो आपने दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, चंद्रमा की कोमल किरणों से रंजित को कुसुमित बनकर आपने दर्शन कर लिया, और यमुना के जल की शीतलता को लेकर मंद मंद चलने वाले पवन को भी देख लिया, उसका भी अनुभव कर लिया, उससे जो तरु पल्लव फिर रहे हैं वो भी देख लिए, अब आप जाइए लौट जाइए, हो गया। रजन्येशा गुरु रूपा गौर सत्तर, इस समय रजनी है, रात्रि का समय है, घोर रूपा है, अंधकार है, और इस समय सिंह व्याघ्र आदि हिंस जंतु इस समय वन में भ्रमण करते हैं, भयानक रात्रि है, इसलिए लौट जाइए। अच्छा आप नहीं लौट रही हैं, इसका अर्थ यह है कि आप मेरे प्रेम के कारण यंत्रित हृदय होकर यहाँ पधारी हैं, तो ये आना उचित उचित ही है। प्रियंते मई जंतवा, सभी प्राणी मुझसे प्रेम करते ही हैं, मैं तो सबका प्रेमास्पद हूँ, लेकिन आप नारियां हैं, नारियों के धर्म को देखिए, नारियों का धर्म क्या है, पति शुश्रूषणम स्त्रीनाम परो धर्मो हिमाया, स्त्रियों का परम धर्म ये है कि निष्कपट भाव से पति की सेवा करे, और केवल पति की ही नहीं, पति के माता पिता को, उसके भाइयों को, बंधुओं को, उनका भी सत्कार करे, बाल बच्चों का पोषण करे, ये उसका धर्म होता है। हाँ हमारे पतियों का रूप बढ़िया नहीं है, जैसे तुम सुंदर हो वैसे पति नहीं है, तो बोले भाई ऐसा नहीं है, धर्म ये नहीं कहता है, दुष्टो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरो गजनो पिवा पतिस्त्री भिन्न हातव्यो लोकेस्त भिपातकी, दुष्टिर हो स्वभाव जिसका अच्छा न हो, भागवान भी न हो, मूर्ख हो, रोगी हो, और दुर्भग का सुंदर भी ना हो, तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अपात की अगर उसने ब्रह्महत्या कर ली हो, गौहत्या कर ली हो, पातक उसमें आ गया हो, तो भले ही उसको छोड़ दे,
अन्यथा नारी को पति का त्याग कर नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस में जानकी जी को अनसुईया जी ने पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया कि जग में पतिव्रता तीन प्रकार की होती, उत्तम केस बस मन माही सपने भुआन पुरुष जग माही। उत्तम पतिव्रता वो है जो परपति को देखती ही नहीं कि कोई दूसरा भी पुरुष है, पुरुष भाव से केवल अपने पति को ही जानती। और मध्यम परपति देखई कैसे भ्राता पिता पुत्र समझे से। मध्यम पतिव्रता वो है जो दूसरे पति को पुरुष तो समझती है लेकिन बराबरी वाला हो तो भाई, बड़ा हो तो पिता और छोटा हो तो पुत्र समझ। और तीसरी धर्म विचारी समुझी कुल रही सो निकृष्टत्य सुत्य सकई। जो धर्म का विचार करके अपने कुल का विचार करके अपने चरित्र को बचाकर रखती है वो तृतीय श्रेणी की। और एक चौथी भी है, चौथी कौन है? जिसको अवसर नहीं मिला, समाज का या पति का भय है, उस वजह से बची हुई है, वो चौथी। तो स्त्री का धर्म यह है कि वो अपने धर्म पति का सेवन करे। तो आप अपने धर्म का पालन कीजिए, यहाँ आप कमा गए। गोपियों से भगवान ने धर्म की बात कही, गोपियां उनके वचनों को सुनकर बड़ी निराश हो गई, आंखों से आंसुओं की धार बहकर कजल के सहित वक्षस्थल के कुंकुम को धोने लगे, नखों से धरती कुरोदने लगी और किसी प्रकार अपने मन को थोड़ा सा शांत करके वो श्री कृष्ण से बोली, मैं भूर्हत भगवान गजितुम निशंसम संतज्य सर्व विषया तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात त्यजास्मन देवसादि पुरुषो भजते मुमुक्षुं। आपको इस तरह का क्रूर वचन नहीं बोलना चाहिए। आप समझती हैं कि हम किसी विषय से सांसारिक सुख के मोह में आपके पास आई हैं, ऐसा नहीं है। संत्यज्य सर्व विषयां तव पाद मूलम भक्ता, सब विषयों का त्याग करके आपके चरणों के मूल की भक्त हो गए। इसलिए हठीले हमारा त्याग मत करो, आज पुरुष नारायण जैसे अपने मुक्षु भक्तों का त्याग नहीं करते हैं वैसे आप भी हमारा त्याग न करें। दृष्टांत देती हैं वसुधा नारायण तो यही है। और आप कहते हैं कि स्त्रियों का धर्म है पति की सेवा करना, पुत्र की सेवा करना, बंधुओं की सेवा करना। तो ये जितना भी उपदेश है ये उपदेश किस लिए? मनुष्य धर्म का पालन इसलिए करता है कि धर्म के पालन से भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो जब हमको फल मिल गया
आप मिल गए तो फिर आप हमको दूसरी तरफ ढकेल रहे हो, ये कहाँ का न्याय। तो भगवान ने एक दृष्टांत दिया कि एक नारी का पति परदेश जा रहा था, पत्नी ने कहा कि हम आपकी पूजा के बिना कैसे रहेंगी, तो उसने कहा कि मिट्टी की मूर्ति बनाकर हमारी पूजा कर लिया करो। वो पति की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करती थी बिजुरान से, उसी को भोग लगाती थी, उसी का प्रसाद लेती थी। एक दिन उसका सच्चा पति लौट के आ गया, वो किवाड़ बंद करके पूजा कर रही थी, पति ने दरवाजा खटखटाया तो श्याम सुंदर ये बताओ कि वो मिट्टी की मूर्ति की पूजा करती रहे कि सच्चे पति का स्वागत करे। बड़े जब पति सच्चा आ गया तो स्वागत उसका करे, मिट्टी की मूर्ति की क्या बात है। तो बोले तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, जब तुम सच्चे आ गए तो नकलियों की तरह हम क्यों भेज रहे हो, क्योंकि नारी मात्र का विवाह है भगवान से होता है। जब कन्यादान होता है तो पिता अपने हाथ में कुश और कन्या, कन्या का हाथ लेकर कहता है इमाम विष्णु रूपाम कन्याम, इमाम लक्ष्मी रूपाम कन्याम, विष्णु रूपाय बराय तुभ्यमाम संप्रददे। ये जो मेरी लक्ष्मी रूपा कन्या है, ये विष्णु रूप वर को हम दे रहे हैं, तो सब कन्याओं का जो दान है वो तो विष्णु को होता है और विष्णु तुम हो, तो आपकी सेवा में हम आए हैं तो कोई अनुचित बात नहीं है। इतना में श्री किशोरी जी आ गई, फिर रास लीला हुई, उसके बाद उनके अंदर थोड़ा सा अभिमान आ गया, तो मन में सोचा कि ये कितनी भाग्यशालिनी है, अनया राज तो नूनम भगवान हरि ईश्वरा, भगवान इसके द्वारा आराधित, ये आराधिका है, आराधिका ही राधिका है। तो आगे बढ़ने के बाद वो गोपी बोली कि हम कहाँ तक चलें, हमसे चला नहीं जाता है, तुमको ले चलना हो तो अपने कंधे पर बैठा लो। तो भगवान ने कहा तो बैठे जाओ, तो झुके और वो बैठने को तैयार हुई और अंतर्धान हो गए। तो बेचारी बहुत बुरे से व्याकुल हो गए, हा नाथ रमानाथ क्वास क्वास माँ भूत मुझे दास चाहे कृपणाया में सखे दर्शे संजिधिम। वह भी बेरह से व्याकुल हो गई, गोपियों ने भगवान की लीलाओं का अनुकरण किया, उसके बाद गोपी गीत आता है जयति तेजिकम जन्म नावदा शयत इंदिरा सशदत्त ही दैत दृश्यताम दिक्षुतावकात सहिता सव तम विचिन्वते। कहते हैं हे श्याम सुंदर, आपके अवतार से ये भारत भूमि और भारत भूमि में भी ब्रज भूमि त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर रही, और जगह तो इंदिरा लक्ष्मी श्रीयते, लक्ष्मी की लोग सेवा करते हैं लेकिन तुम्हारे ब्रज में लक्ष्मी स्वयं सेवा करती, हम दसों दिशाओं में तुम्हें खोज रही हैं, हमको प्राप्त हो। सरदास
साधु साहब श्री मुसादिशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका मरद निघ्न तो नेह किम बधा। गोपियां कहती हैं सरद सरदास सरसिजोदर श्री मुसादिशा, श्याम सुंदर तुम्हारी आंखें बड़ी चोर हैं, कैसे एक सरोवर में एक सरोजों का राजा कमलों का राजा बीच में खिला हुआ था और उसके आसपास बरछी जैसे फूलों को लिए कमलों की सेना खड़ी थी, लेकिन तुम्हारे नेत्र तो वहाँ पहुँच गए जहाँ वो कमलों का राजा था और वहाँ भी ऊपर की पखड़ियों के भीतर जो अरुण वर्ण था उसको तुम्हारे नेत्रों ने चुरा लिया। अथवा उस कमल की जो शोभा है, कमल के पखड़ियों की जो शोभा है वो तुम्हारे नेत्रों से उसने चुराई है। शरद दासे साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुसादिशा, उस सरसिज के उदर के भीतर जो श्री है वो तुम्हारे नेत्रों ने चुराई है, उनको देखकर हम तुम्हारे बिना मोल की दासी हो गई है, हमारा त्याग मत करो। केवल शर्त से मारना ही मारना नहीं होता है, किसी को विरह वेदना प्रदान करना भी उसकी मौत होती है। इस प्रकार गोपियों ने गीत गाया, भगवान नहीं आए तो फिर रोई, तो भगवान उनके बीच में आ गए। फिर रासलीला हुई, रासलीला ब्रह्मों की रात्रियों तक चली, उसके पश्चात वो अपने अपने घर में गई। उनके घर जाने पर किसी ने कोई दोष दृष्टि नहीं की, वस्तुतः उनको ऐसा ही प्रतीत हुआ कि हमारे घर की पत्नियाँ ये हमारे घर में ही थी, तो स्थूल शरीर से वो गई ही नहीं थी, वो दिव्य शरीर से भगवान की लीला में पहुंची थी। अस्तु, ये रासलीला का प्रसंग बहुत लंबा है, आज चूँकि समापन है इसलिए अब हम मेल चलाएंगे। तो इस प्रकार ये रासलीला संपन्न हुई। एक बार गोपाल लोग देव यात्रा में चले और भगवती जगदम्बा की आराधना की और उनकी पूजा करके रात्रि को वहाँ पर निवास सबने निवास किया। रात्रि में एक अजगर ने नंद जी के पैर को पकड़ लिया, तो ये आज कथा का समापन होने जा रहा है। पूरी सचमुच कंद की कथा भी नहीं हो पाई, लेकिन आप लोग बड़ी श्रद्धा से सुनते रहे और नियम भी चलता रहा। भगवान की कृपा से अपना ये सत्संग 2 महीने तक अनारत चला और आप सब लोगों ने बड़ी श्रद्धा से हम लोगों के चातुर्मास में सेवा की। ये कलकत्ता के निवासियों की प्रशंसा हम नहीं, जो लोग बाहर से आए हैं वो लोग भी कहते गए हैं इनकी सेवा प्रशंसनीय है।
तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों का सुख सौभाग्य बढ़े, भगवान से प्रदान करें, प्रेम प्रदान करें और आपकी सब प्रकार की उन्नति हो। और इसी तरह संत महात्माओं की सेवा, सत्संग और धर्म करते हुए आप अपने जीवन को सफल बनाएं। सबको हृदय से आशीर्वाद देते हुए अपनी प्रकृति श्रृंखला आज समाप्त करते हैं। कल यहाँ से सीमा उल्लंघन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कल सीमा उल्लंघन नहीं होगा तो फिर 4 महीने का हो जाएगा। इसलिए यहाँ से कल कौन नगर की यात्रा होगी तो 4 बजे यहाँ से निकलेंगे और फिर कौन नगर में वहाँ पर 2-3 दिन निवास होगा। थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए,
गुरु दर्शन से पाप कटत है, गुरु दर्शन से पाप कटत है, रिद्धि सिद्धि घर आवे। गुरु स्मरण से भय मिटत है, बिगड़ी काम बन जावे। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही परमानंद है। गुरुदेव के चरणों में मेरा यही प्रार्थना है, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे गुरु भाइयों के ऊपर, कि इस तरह से कृपा बनाए रखें। यत्रैव यत्रैव मनो मदीयम् तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम्, यत्रैव यत्रैव शिरो मदीयम् तत्रैव तत्रैव प्रतिबन्ते। हे गुरुवर, जहाँ जहाँ हम लोगों का मन जाए आपका ही दर्शन हो, जहाँ जहाँ ये सर झुके आपके ही श्री चरणों का स्पर्श मिले, एक पल के लिए भी गुरु के प्रति मन में अविश्वास न आए, यही कृपा आप बनाए रखें। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, चमत्कार को भी चमत्कृत करने वाले गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूँ जगत गुरु शंकराचार्य समारोह चातुर्मास समारोह समिति के महामंत्री आदरणीय श्री घनश्याम जी सनोज जी। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, मंच पर उपस्थित सभी स्वामी जी, मंच पर उपस्थित पूज्य संयुक्त ब्रह्मचारी जीगण, सभी विद्वतगण, पूज्य विद्वतगण, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मेरे गुरु भाइयों, मुझे धन्यवाद देने को कहा गया, क्या धन्यवाद दूँ, हम तो सब धन्य हो गए जब पूज्य महाराज जी ने हम सब पर कृपा करके कलकत्ते में चातुर्मास करने की अनुमति दी। ये दो महीना ऐसा बीत गया पता नहीं चला, कारण पूज्य महाराज से अमृत वाणी की वर्षा करते रहे और हम सब भेजते रहे। हम ऐसे भेज गए कि हमें पता ही नहीं चला कि दो महीना कैसे बीत गए। आप सब यथासंभव तन मन धन से सहयोग दिए इस चातुर्मास को सफल बनाने के लिए, आप पूज्य महाराज के कृपा पात्र हैं। हमारी समिति के सभी सदस्य गुरु भाई के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ, जो न तो रात देखा न दिन देखा और कंधे से कंधे मिलाकर हंसते हुए इस चातुर्मास को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया। हमारे आदरणीय सुबोध दया का स्वास्थ्य कर रहा है, पूज्य महाराज जी से अनुरोध करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
भाइयों के ऊपर इस तरह से कृपा बनाए रखें
यत्रैव यत्रैव मनो मदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपं यत्रैव यत्रैव शिरो मदीयं तत्रैव तत्रैव प्रतिबन्ते। हे गुरुवर, जहाँ जहाँ हम लोगों का मन जाए आपका ही दर्शन हो, जहाँ जहाँ ये सर झुके आपके ही श्री चरणों का स्पर्श मिले, एक पल के लिए भी गुरु के प्रति।